बेटा आई विल डिस्कस विद यू सरल केमिस्ट्री पार्ट टू एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन देखो बेटा क्या होता है, अडहीरिंग ऑफ ऑफ वन सब्सटेंस सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ अदर सब्सटेंस, ऑन द सरफेस ऑफ अदर सब्सटेंस। राइट, सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर स्टोन स्टोन एंड यू हैव एडेड वाटर। तो वाटर इट इज एडहीरिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द स्टोन, इट डज नॉट पेनिट्रेट इन टू द इन द स्टोन, इट रिमेन एट द सर्फेस। सो दिस इज कॉल्ड द एडसॉर्प्शन, राइट, विच अकर ओनली एट द सर्फेस। नाउ वी आर हैविंग एडसॉर्बेट, ए टर्म विच इज यूज एज ए एडसॉर्बेट ए सब्सटेंस विच एडसॉर्ब एडसॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ अदर इज कॉल्ड एज एडसॉर्बेट। आप मेरी बात समझ गए होंगे बेटा, जो सब्सटेंस दूसरे के ऊपर अड्सॉर्ब होता है, वाटर जहां पर अड्सॉर्बेट है, ठीक है, अड्सॉर्बेट, जो सब्सटेंस दूसरे के ऊपर अड्सॉर्ब हो उसको बोलते हैं अड्सॉर्बेट। देन अड्सॉर्बेंट द सरफेस ऑन विच ऑन विच एड्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस, एड्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एज एड्सॉर्बेंट जिसके ऊपर एड्सॉर्प्शन होती है वो एड्सॉर्बेंट, जो एड्सॉर्ब होता है वो एड्सॉर्बेट। समझा गया बेटा, ये डिसॉप्शन रिवर्स ऑफ एड्सॉर्प्शन रिवर्स ऑफ एड्सॉर्प्शन इज कॉल्ड एज डिसॉप्शन, इसको डिसॉप्शन कहते हैं बेटा। मतलब ये आपका स्टोन है, इट इज अ वेटेड स्टोन, यानी इसके आगे पीछे वाटर है, वेटेड विद वाटर स्टोन है और वाटर के साथ ये वेटेड है, यानी इसके सरफेस पर वाटर एड्सॉर्ब हुआ है। मेरी बात समझे, आप इसको हीट करो तो अब वाटर जो है वाटर बाहर निकल जाएगा। अगर दिस इज कॉल्ड ए डिसॉप्शन, अगर आप इस साइड जाओगे तो एड्सॉर्प्शन, अगर वाटर इसके ऊपर एड्सॉर्ब होगा तो एड्सॉर्प्शन, अगर वाटर एड्सॉर्ब हुआ हीट करके आप बाहर निकाल दोगे दैट इज डिसॉप्शन। समझा गया, एड्सॉर्प्शन डिसॉप्शन। नाउ बेटा एक टर्म है एब्जॉर्प्शन, ये एब्जॉर्प्शन कंफ्यूज नहीं हो ना, वो एड एड था, ये ए बी है एब्जॉर्प्शन। व्हेन ए सब्सटेंस
इज पेनिट्रेटिंग थ्रू आउट ऑफ द अदर सब्सटेंस, थ्रू आउट ऑफ द अदर सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड ऑफ द अदर सब्सटेंस, अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन. फॉर एग्जाम्पल ये आपका वाटर है, ठीक है, इसमें कॉटन डाल दो, कॉटन, तो कॉटन में वाटर सरफेस पर थोड़ा रहेगा, वाटर कॉटन के बीच में भी चला जाएगा, दिस इज एब्जॉर्प्शन. अगर सरफेस सिर्फ सरफेस के ऊपर हो तो एब्जॉर्प्शन, अगर बीच तक चला जाए, एडहीरिंग बीच में चला जाए, पेनिट्रेशन हो जाए, देन इट इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन. हो गया. नेक्स्ट ये अक्लूजन, एक वर्ड यूज होता है बेटे अक्लूजन, ओ डबल सी एल यू एस आई एन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस, गैसेस इन ए सॉलिड इज कॉल्ड एज अक्लूजन, इसको अक्लूजन बोलते हैं बेटे, ठीक है, जब गैसेस सॉलिड के एब्जॉर्ब हो तो उसको अक्लूजन बोलते हैं, ठीक है. अब आपको एब्जॉर्प्शन जो है जो एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस. देखो कैसे, ये आपका सपोज स्टोन है, ठीक है, इसके आगे पीछे गैस है, ये गैस मॉलिक्यूल है, ये गैस मॉलिक्यूल मूव कर रहा है बेटा, ठीक है, लेकिन गैस मॉलिक्यूल अगर मूव कर रहा है, इसके पास एनर्जी है, जब ये गैस का मॉलिक्यूल इसके ऊपर जाके बैठ जाएगा या तो इसकी एनर्जी कहां चलेगी, लूज करेगी. देखो जब ये गैस का मॉलिक्यूल चल रहा है इसके पास एनर्जी है, जब ये गैस का मॉलिक्यूल चल रहा है एनर्जी है, लेकिन जब ये स्टोन के ऊपर चला गया, वहां एडियर कर गया, इसकी मूवमेंट बंद होगी. अरे मूवमेंट तब बंद होगी तो ये तभी बंद होगी, एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज, इसलिए कहते हैं एक्सोथर्मिक. मेरी बात समझे, ये स्टोन है, ये आपकी गैस है, ये गैस मूव कर रही थी इसके आगे पीछे, अब गैस जो है वो एब्जॉर्ब है, मूव नहीं कर रही, किस पर, ऑन द स्टोन, ऑन द स्टोन, तो प्लस हीट प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक, प्लस हीट ये जो प्रोसेस होगा ये एक्सोथर्मिक होगा, रिवर्सिबल भी होगा, अगर पीछे को आएगा तो एंडोथर्मिक होगा, यानी एब्जॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक. अगर गैस, ये गैस सपोज इसके ऊपर एब्जॉर्ब है, ठीक है, तो ये ऊपर से निकलकर बाहर आ जाएगी तो मूव करना शुरू करेगी, मूव तभी करेगी अगर इसके पास एनर्जी होगी, तो ये एनर्जी लेके बाहर आएगा, एनर्जी ले, जब कोई सिस्टम एनर्जी ले लेता है तो जिससे एनर्जी लेता है उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, तो इट बिकम एंडोथर्मिक. एब्जॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. फिर समझो ध्यान से, ये कोई स्टोन है, कोई सॉलिड है, गैस मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, इसके पास एनर्जी है, लेकिन मूव करता करता ये स्टोन के ऊपर जाके स्टिक हो गया, इसने मूव करना बंद कर दिया, तो ये इसके पास जो एनर्जी है उसको लूज कर देगा, तो तब कहते हैं प्लस हीट, एक्सोथर्मिक. लेकिन अगर आप गैस मॉलिक्यूल को निकालना चाहते हो तो उसको एनर्जी देनी पड़ेगी,
क्योंकि वो गैस मॉलिक्यूल अट्रैक्टेड है किसकी ओर, स्टोन की ओर। अट्रैक्शन खत्म करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो एनर्जी लेके बाहर निकलेगा तो मूव करना शुरू कर देगा। तो एनर्जी लेना मेन एंडो, जब कोई सिस्टम एनर्जी ले एंडो, जब कोई सिस्टम एनर्जी छोड़े एक्सो। तो एब्जॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सेकंड, डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी इज लेस देन जीरो, ठीक है। गिव्स फ्री एनर्जी पढ़ाया था 11th में थर्मोडायनेमिक्स में, हाँ। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। तो इससे रिलेशन निकालते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी लेस देन, गिव्स फ्री एनर्जी कम हो जाती है, फ्री एनर्जी होती है अवेलेबल सिस्टम हैविंग एनर्जी टू डू द यूजफुल वर्क। लेकिन गिव्स फ्री एनर्जी कम हो जाती है जब ये जब एब्जॉर्प्शन हो जाती है, जब एब्जॉर्प्शन हो जाती है। तीसरा, डेल्टा एच लेस देन जीरो। देखो ये आपका स्टोन है, ये गैस का मॉलिक्यूल है, इसकी एनर्जी है, इसकी भी एनर्जी है, दोनों की एनर्जी मिला के सपोज कर लो अभी ये अड़जार बनी है, एनर्जी क्या है एच वन। जब ये गैस मॉलिक्यूल इसके ऊपर अड़जार हो गया तो इसने एनर्जी को क्या कर दिया, छोड़ दिया, और छोड़ने से क्या हो गया, एच टू चेंज होगी, विच इज ग्रेटर, एच वन इज ग्रेटर। पहले इसकी एनर्जी भी थी, इसकी एनर्जी भी थी, जब इसके ऊपर एब्जॉर्ब हो गया तो इसने एनर्जी को छोड़ दिया, तो ओवरऑल एनर्जी क्या होगी, कम। तो एच फाइनल डेल्टा एच क्या होता है, फाइनल माइनस नेचर, एच टू माइनस एच वन दैट इज नेगेटिव, क्योंकि एच वन बड़ा है एच टू छोटा है, तो डेल्टा एच इज लेस देन जीरो, किसमें, एब्जॉर्प्शन में। फोर्थ, एंट्रोपी लेस देन जीरो, एंट्रोपी लेस देन जीरो। देखो बेटा एंट्रोपी क्या होती है, डिसऑर्डरनेस ऑफ ए सिस्टम, सिस्टम में जितनी डिसऑर्डरनेस हो उतनी एंट्रोपी ज्यादा होती है। देखो ये आपका स्टोन है, ये आपका गैस मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, डिसऑर्डरनेस कर रहा है, जब ये इसके ऊपर जाके अडियर कर जाएगा तो डिसऑर्डरनेस कम होगी। पहले एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या थी, एंट्रोपी क्या थी, S1, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल मूव कर रहा था और स्टोन की। अब जब गैस मॉलिक्यूल इसके ऊपर चिपक गया तो डिसऑर्डरनेस कम हो गया, तो S2, तो S2 कम है, S1 जन है, ग्रेटर है, तो डेल्टा S इज लेस देन जीरो, क्योंकि S2 कम है, डिसऑर्डरनेस होता है, एंट्रोपी होता है डिसऑर्डरनेस ऑफ ए सिस्टम। कंपाउंड में जितना डिसऑर्डरनेस हो उतनी एंट्रोपी ज्यादा होती है। डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। देखो इसका मतलब समझो, मतलब ये स्टोन है, इसके आगे गैस मॉलिक्यूल है, मूव कर रहे हैं, ठीक है, ये मूव कर रहे हैं। अब सपोज 10 मॉलिक्यूल इसके ऊपर एब्जॉर्ब हैं, ये एब्जॉर्प्शन हो चुकी है। अब ये 10 जे एब्जॉर्ब नहीं रहते हमेशा, इसमें से एक बाहर निकल जाता है और उसकी जगह दूसरा आ जाता है, रहते 10 नहीं है, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। यानी एक एब्जॉर्ब हो रहा है, एक निकल रहा है, एक एब्जॉर्ब हो रहा है, एक निकल रहा है, ओवरऑल कितने एब्जॉर्ब रहे, 10 नहीं, लेकिन लगातार क्या हो रहे, चेंज हो रहे, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। एब्जॉर्ब भी हो रहा है और डिसॉर्ब भी हो रहा है, एब्जॉर्प्शन भी हो रही है, डिसॉर्प्शन भी, जितनी एब्जॉर्प्शन हो रही है उतनी डिसॉर्प्शन हो रही है। उस वक्त जो डेल्टा जी होता है वो जीरो होता है, हाँ? उस वक्त डेल्टा जी भी जीरो होता है, उस वक्त डेल्टा एच भी जीरो होता है, उस वक्त डेल्टा एस भी जीरो होता है, एट इक्विलिब्रियम। ये चीजें चेंज नहीं होती, दे आर जीरो, दे आर नॉट चेंजिंग, जीरो मीन ये चेंज नहीं हो रही, क्योंकि 10 वाली कुल इसके ऊपर जार्व है,
एक निकल रहा है एक ऐड हो रहा है, तो ना एंट्रापी में फर्क पड़ा, ना एनर्जी में फर्क पड़ा उसको, ना गिव्स फ्री एनर्जी में फर्क, तो ऑल दीज थिंग बिकम जीरो। नाउ बेटा नेक्स्ट, अब हमारे पास एक होता पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन, पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन, ध्यान से समझना बात को, पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन। देखो ये ऊपर एयर है, एयर के मॉलिक्यूल में कोई डिस्टेंस है ना, कोई जुड़े थोड़े हैं, उनके बीच में गैप है। सपोज जहां गैप जो है एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल का गैप जो है वो एक सेंटीमीटर का है, सपोज वो दो मॉलिक्यूल इधर एब्जॉर्ब हो गए हैं और जहां जो डिस्टेंस है वो एक सेंटीमीटर से कम है, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं, जहां एयर में मॉलिक्यूल जो है उनका डिस्टेंस ज्यादा है और जब वो पेपर के ऊपर एब्जॉर्ब हो गए वहां उनका डिस्टेंस कम है, इसका मतलब है पेपर पर उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है और ऊपर जो मेन फेस है उसका एयर का उसमें उसकी कंसंट्रेशन कम है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन। मेरी बात समझिए आप, पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बेट इज मोर ऑन एब्जॉर्बेंट देन इन इट्स ओन बल्क फेज। बल्क होता बड़ा, अरे एयर का फेज बल्क फेज हो, ऊपर हवा है ना, हवा ज्यादा है, हवा सारी इतनी हवा ऊपर है इतनी हवा नीचे तो पेपर पे थोड़ी चलेगी है, लेकिन पेपर पे उनका डिस्टेंस कम है और एयर में उनका डिस्टेंस ज्यादा है, इसका मतलब एयर में उनकी कंसंट्रेशन कम है और डेंसिटी कम है या कंसंट्रेशन कम है और पेपर में उनकी डेंसिटी ज्यादा है, देन दिस कॉल्ड ए पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन। अगर ये उल्टा हो तो इट इज कॉल्ड एज ए नेगेटिव एब्जॉर्प्शन, नेगेटिव, पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन, नेगेटिव एब्जॉर्प्शन। मेरी बात समझ गए, दो तरह की एब्जॉर्प्शन होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होगा, एयर के बीच में डिस्टेंस कम होगा, उल्टा होगा व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ इज लेस, मोर की जगह क्या आएगा लेस ऑन द एब्जॉर्बेंट देन इट्स ऑन वॉल्क, एयर में डिस्टेंस कम होगा और जहां एब्जॉर्ब होगा वहां डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन नेगेटिव एब्जॉर्प्शन। ओके नाउ जो एब्जॉर्प्शन है ये दो किस्म की होती है, एक होती है फिजिकल एब्जॉर्प्शन, फिजिकल एब्जॉर्प्शन, जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है इसको फिजॉर्प्शन भी बोलते हैं, PHYSORPTION, फिजॉर्प्शन, फिजॉर्प्शन, फिजिकल एब्जॉर्प्शन, ठीक है। दूसरा होता है केमिकल एब्जॉर्प्शन, आप मतलब समझते हो दोनों का, इसको बोलते हैं केमिसॉर्प्शन, केमिस, ये PHY फिजॉर्प्शन, ये केमिसॉर्प्शन, केमिकल एब्जॉर्प्शन को केमिसॉर्प्शन ही बोलते हैं, ठीक है। नाउ फिजिकल एब्जॉर्प्शन, फिजिकल नेक्स्ट करेंगे बेटा इसको,